अस्सलामुअलैकुम आल न्यूज़ ऑफिशियल में खुश आमदीद नाज़रीन। बड़ी खबर, न्यूयॉर्क टाइम ने 27 जनवरी को होने वाले तजर्बे की तफसीलात लीक कर दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन शो होगा इसको दबा के ऑल पे कर दें ताकि आपको अपडेट न्यूज़ मिलती रहें। दोस्तों तफसील कुछ यूं है, जो पाकिस्तान तजर्बा करने वाला है वो तैमूर का भी हो सकता है और अबाबिल 2 का भी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक मिसाइल का तजर्बा करने जा रहा है, इसलिए बहुत सारी स्पेस खाली कराई जा रही है। दोस्तों 27 जनवरी को जो तजर्बा होने वाला है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और खौफनाक तजर्बा होगा। अगर ये मिसाइल तजर्बा कामयाब हो गया तो पाकिस्तान अमेरिका को हिट कर सकता है, और इस मिसाइल को अगर लाहौर से फायर किया गया तो ये सीधा व्हाइट हाउस से टकरा सकता है। पाकिस्तान इस वक्त मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। इंडिया, इसराइल, अमेरिका परेशानी का शिकार हैं कि आखिरकार पाकिस्तान क्या सोच के ये काम कर रहा है। दोस्तों ये तीनों मिलके भी पाकिस्तान का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। पाकिस्तान जिस कदर जिस तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, आने वाला वक्त पाकिस्तान और चाइना को सुपर पावर जाहिर कर रहा है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिस पर दुनिया का कोई मुल्क भी हाथ नहीं डाल सकता। अगर एक बड़ी आलमी जंग ये सारे मुल्क मिलके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करें तब भी पाकिस्तान ही कामयाब होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब एशिया में एक ब्लॉक बना चुका है जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत से ममालिक हैं जो खुफिया तौर पर और ज़ाहरी तौर पर पाकिस्तान का ही साथ देंगे। तो ये वो ममालिक हैं जो यूरोपीय ममालिक से बे इंतहा तंग हैं। पाकिस्तान आए दिन मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहा है कि ये तमाम ममालिक पाकिस्तान की कल को हिमायत कर सकें और पाकिस्तान की पैरवी कर सकें, और पाकिस्तान जिस मुल्क पर हाथ रखे इस मुल्क के ख़िलाफ़ वो भी हाथ उठा सकें। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगेबान।